Hello everyone, I'm back with a very new interesting lecture of today's. आज हम जो कवर करेंगे वो बिल्कुल जो हमने पिछली लेक्चर में किया था उसी से रिलेटेड है. हमने पिछले लेक्चर में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रिंग के कारण. वायर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है. हमने मोशन पढ़ा था चार्ज पार्टिकल. आज हम एक न्यू टर्म जनरेट करेंगे उसी से जो है इलेक्ट्रिक डायपोल और उसी से रिलेटेड आगे हम पढ़ेंगे. अब हम इसके बाद एक बिल्कुल ही न्यू फ्रेश टॉपिक करेंगे वो है इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, डायपोल मतलब दो पोल्स बना रहा होगा. मतलब चार्ज का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा पोल्स बनाने वही इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा. अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इट रिजल्ट्स इनटू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. अब इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? जब हम दो चार्जेस लेते हैं जो इक्वल हों, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू हमने चार्ज लिया, वो इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट नेचर के होने चाहिए. एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव हो, और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो, और वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बहुत ही छोटा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल नैनोमीटर्स में हो गया, 10^-9, 10^-10 में हो गया, तो क्या होना चाहिए? वो डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, तब हमें क्या मिलता है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल मिलता है. जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हमने Q और एक नेगेटिव चार्ज रखा माइनस Q. तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है. डिस्टेंस को हम ले लेते हैं 2d. 2d ईजी हो जाता है करने में. सारी बुक्स में हम d की टर्म्स में लेते हैं. d की टर्म्स में क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मिड पॉइंट होगा उसको ले लेते हैं O. तो उस मिड पॉइंट से एक चार्ज d डिस्टेंस पे और दूसरा चार्ज पे क्या? d डिस्टेंस पे. तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है. अब यहीं से एक टर्म आती है, डायपोल मोमेंट. जिसको हम किससे दिखाते हैं? P से. ये क्या है? डायपोल मोमेंट. अब डायपोल मोमेंट क्या होता है? हम कोई भी एक चार्ज ले लें, कोई भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. उसकी मल्टीप्लाई जब हम डिस्टेंस से कराते हैं, उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, यही क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. अब जो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है. हमेशा जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से किसकी तरफ होगी? पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी. और ये है एक वेक्टर क्वांटिटी. साइंस से पता चल रहा है. क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी. और इसकी यूनिट क्या है? क्यू की कूलम, डिस्टेंस की मीटर. कूलम मीटर इसकी यूनिट होगी. तो यही है इलेक्ट्रिक डायपोल. अब हम इसी की मदद से इलेक्ट्रिक डायपोल पे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. कहाँ कहाँ पे? इसमें दो केसेस आते हैं. तो देखिए, अब पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस, मतलब इसको और क्या कर सकते हैं हम, लॉन्गिट्यूडिनल, एक्सिस पे निकालना। अब अगर हम पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, सेम चार्ज होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज लेकिन अपोजिट नेचर के, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, डिस्टेंस को ले लेते हैं 2d, तो मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा, डी और डी। अब हमें इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ पे निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, एक्स डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायपोल के कारण, कहाँ पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे। तो हमने ये ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो क्या है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है। अब प्लस क्यू चार्ज को ले लेते हैं 1 और माइनस क्यू चार्ज को ले लेते हैं 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के कारण किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के कारण किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। अब देखिए कुछ अंतर पता चल रहा होगा, ये वाली एरो छोटी है, ये वाली एरो मैंने बड़ी दिखाई, ये बड़ी क्यों दिखाई, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, मतलब माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट हो रही होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, छोटा है, डिस्टेंस जब छोटा होगा तो मैग्नीट्यूड क्या, बड़ा होगा, इसीलिए ये एरो बड़े। इससे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड के कारण मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से। अब इनकी वैल्यूज़ निकाल देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 क्या हो जाएगा, के क्यू, डिस्टेंस कितना, अब डिस्टेंस की बात कीजिए, ये क्या है पूरा डिस्टेंस एक्स, हमें प्लस क्यू चार्ज से ए तक का डिस्टेंस लेना है क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितना है 2d और ये डिस्टेंस कितना x, तो ये डिस्टेंस अब x है और ये डिस्टेंस g है, तो मतलब प्लस क्यू चार्ज a पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, x प्लस d डिस्टेंस पे, तो x प्लस d का स्क्वायर हमने ये किया। अब सेकेंड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, के क्यू, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज कितने डिस्टेंस पे, अब ये डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, यही डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो x डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है और d डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी डिस्टेंस जाएगी, x माइनस डी, जब ये यहाँ से यहाँ तक पूरी x है और ये d है तो ये x माइनस डी हो जाएगी, तो हो जाएगा x माइनस डी का स्क्वायर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड के कारण बड़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से, तो ई नेट की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, ई नेट की भी ये वाली डायरेक्शन होगी, तो ई नेट निकाल देते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ई नेट क्या हो जाएगा, बी वेक्टर की बात नहीं करते हैं, ई टू माइनस ई वन, ये हो जाएगा, ई टू की वैल्यू क्या है, के क्यू एक्स माइनस डी स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स प्लस डी स्क्वायर, के क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर जो टर्म्स बची वो क्या बचेंगी, 1 अपॉन एक्स माइनस डी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस डी स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे,
तो ये हुआ के क्यू। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x माइनस डी स्क्वायर x प्लस डी स्क्वायर, हम दोनों एलसीएम ले लेते हैं दोनों को, तो ये जाएगा x माइनस डी स्क्वायर और x प्लस डी स्क्वायर। जो ऊपर टर्म्स जाएंगी वो क्या जाएंगी, यहाँ पे क्या जाएगी x प्लस डी स्क्वायर माइनस x माइनस डी स्क्वायर, x प्लस डी स्क्वायर माइनस x माइनस डी स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको देखिए अब सॉल्व करेंगे जब हम, तो k q ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू एक्स डी, ये हो जाएगा। इसका क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये माइनस साइन बाहर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब बात करते हैं नीचे वाली टर्म की, तो नीचे वाली टर्म क्या होगी, ये देखिए अगर हम ये स्क्वायर को मतलब अभी नेगलेक्ट कर लें कि स्क्वायर ही नहीं है, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर भी है, इसको लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया ये आया के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये नोट कर लीजिएगा। अब प्लस टू एक्स डी, ये प्लस कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस। अब नीचे वाली टर्म देखिए, ये है एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, डी स्क्वायर कट जाएगा, तो एट लास्ट हमें क्या मिलेगा के क्यू मल्टीप्लाई बाय फोर एक्स डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म हमें मिल जाएगी। अब हमने क्या देखा, जब हमने क्या निकाला था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाला, तो उसका फॉर्मूला चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस यही होता था, तो ये जो ऊपर वाली टर्म है हम इसको ये लिख सकते हैं के क्यू टू डी और ये हो जाएगा टू एक्स, ये वही बनेगा टू डी टू एक्स फोर एक्स डी, ये वाली टर्म बनेगी, और नीचे वाली टर्म को एज इट इज़ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वाली पूरी टर्म देखिए, ये हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिल चुका है, क्या मिल चुका है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इसकी जगह रख देते हैं टू एक्स के पी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमें मिल गया क्या ई नेट मिल गया, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मिल गया। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ये ई नेट मिल गया। अब मैंने क्या बोला था, जो ये डिस्टेंस है 2D डिस्टेंस, ये क्या है बहुत छोटा है, नैनोमीटर में है, और जो अगर हम x डिस्टेंस ले लें कि माइनस क्यू से a काफ़ी सेंटीमीटर पे है, तो जो नैनोमीटर है वो सेंटीमीटर के हिसाब से तो बहुत छोटा है, तो हम x को क्या कर लेते हैं, जनरली हम ले लेंगे कि d क्या है बहुत ही छोटा है x के हिसाब से, जब d बहुत ही छोटा है x के हिसाब से तो डी स्क्वायर को हम ले लेते हैं, यहाँ से हम डी स्क्वायर को क्या ले लेते हैं कि वो ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ज़ीरो ही है, ठीक है। जब हमने डी स्क्वायर को ज़ीरो रखा तो ई नेट हमें यहाँ से मिल गया टू एक्स के पी एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर, डी तो एक्स स्क्वायर और पावर टू बाहर है फोर, ये हो जाएगा टू के पी अपॉन एक्स क्यूब, यही क्या होता है ई नेट होता है हमारा। जब हम एक्सिस पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे क्या होगी, एक्स क्या है मिड पॉइंट से, इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है एक्स, तो टू के अपॉन एक्स क्यूब।
अब हमने ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की, अब डायरेक्शन की बात करते हैं. तो ई नेट की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में है. और मैंने क्या बोला था, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो कहाँ से होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव. तो मतलब पी की डायरेक्शन भी क्या है? ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की. तो ई नेट की डायरेक्शन भी यही है, इलेक्ट्रिक डायपोल की मोमेंट की डायरेक्शन भी यही है. तो फिर ई नेट सिंपली क्या हो जाएगा? एक ही डायरेक्शन में. तो ये हो जाएगा ई नेट का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के केस में. अब करते हैं अगला डेरिवेशन. अभी हमने जो डेरिवेशन किया उसमें हमने डायपोल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालते हैं. अब जो हम अगला करेंगे वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे. ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, ये हमारा सेकेंड डेरिवेशन 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट. चलिए अब ये करते हैं. एक बार ये जो डेरिवेशन मैं करवा रही हूँ ये वीडियो पॉज करके ज़रूर अपने उससे करके देखिएगा कि आपको आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है, तब दोबारा देखिएगा. अब देखिए, अब हम पे जो अगला टॉपिक है वो है अगला डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालनी है. किसके? डायपोल के. अब हमने एक डायपोल बनाया प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, डिस्टेंस बहुत ही छोटी, डी डिस्टेंस, डी डी मतलब 2D डिस्टेंस. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस लाइन का बाइसेक्टर क्या होगा? ये जहाँ वो इक्वली डिवाइड कर रहा, ओ पॉइंट, यही होगा. तो ए पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डायपोल की, जो कितने डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस पे. देख रहे हैं, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल हमें निकालनी है एक्स डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कितनी होगी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये डिस्टेंस भी वही होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. इस चार्ज को ले लेते हैं 1, इस चार्ज को ले लेते हैं 2. अब देखिए, ए पॉइंट ये हमें ऐसा मिल रहा है, ये है ए पॉइंट. तो जो माइनस क्यू की वजह से जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी. क्यों होगी? क्योंकि माइनस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती हैं वो उसी की डायरेक्शन में आती हैं. तो क्या होगा? ऐसे में होगी कुछ, ई टू ऐसा होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 के कारण लगेगी, 1 के कारण होगी ए पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन ये होगी. तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा. अब देखिए, ये कुछ ऐसा बना. तो जो इवन वेक्टर है उसको हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स. तो ये क्या क्या होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. देखिए जेड बन रहा है, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा. क्यों? कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलिस ट्राइंगल है. ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगी. अब ये थीटा है तो ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल कितना होगा? दो पैरेलल लाइन से एंगल बना रही है एक ही सिंगल लाइन, तो ये भी थीटा होगा. तो देखिए, ये थीटा है दोनों, थीटा थीटा, ये भी थीटा होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपने पढ़ा होगा. तो इसका मतलब ये थीटा है तो ये वाली जो इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? इवन साइन थीटा.
और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ईवन का वो क्या होगा, ईवन कॉस थीटा होगा। ऐसे ई टू के केस में भी होगा, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। देखिए वही डायग्राम मैंने यहीं पे बना दिया, तो ये हो जाएगा ई टू साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट फिर हो जाएगा ई टू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए ईवन और ई टू की जब हम वैल्यू निकालेंगे, ईवन क्या होगा, के क्यू, डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी आर स्क्वायर होता है, इसको हमने अगर आर लेट कर दिया तो आर स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसे ई टू क्या होगा, के क्यू, वही डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ईवन और ई टू दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो ये दोनों कॉम्पोनेंट्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हम पे बचेंगे क्या, ईवन कॉस थीटा और ई टू कॉस थीटा। तो ई नेट क्या मिलेगा हमें यहाँ से, ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में, ईवन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा, और हमने निकाल दिया है कि ईवन और ई टू की मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, तो इनको ले सकते हैं टू ई कॉस थीटा, ई नेट क्या आ गया टू ई कॉस थीटा। अब टू ई क्या है, किसी भी एक को लेट कर लो तो उनकी वैल्यू सेम है, के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए कॉस थीटा हम कैसे निकालेंगे, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, तो कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल के अपोजिट वाली साइड्स परपेंडिकुलर हो जाती है साइड, तो ये हाइपोटेनियस होगा, तो बेस क्या होगा ये, तो कॉस थीटा क्या जगह डी अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट है तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमें ई नेट मिलेगा वो क्या हो गया हमारा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है अभी, ये हो गया टू के क्यू डी अपॉन, इन दोनों को प्लस कर देंगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है अगर मल्टीप्लीकेशन में है बेस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए 3/2, अब ये देखिए के को अगर हम आगे रख देते हैं, अभी हमने रख दिया, तो ये 2qd इलेक्ट्रिक डायपोल, q इंटू 2d इलेक्ट्रिक डायपोल मिल गया हमें, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2। अब फिर उसी में आ जाते हैं, जनरली जो डी होगा बहुत छोटा होगा, नैनोमीटर में या किसी चीज़ एंगस्ट्रॉम में होगा, 10^-10 हो गया, 10^-9 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, तो बहुत छोटा होगा, इसलिए हम क्या करते हैं डी स्क्वायर को क्या करेंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। तो मतलब जनरली जो डी होगा वो बहुत छोटा होगा एक्स, तो हमें यहाँ से ई नेट जो मिलेगा वो मिलेगा के पी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ से मिल जाएगा के पी एक्स क्यू। ये रही हमारी मैग्नीट्यूड की बात, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की डायरेक्शन थी वो क्या थी, इस डायरेक्शन में, ई नेट इस डायरेक्शन में था, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन है वो क्या है, डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गई। तो पहला जो केस आपको याद होगा एक्सिस में जब हमने बात की थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही थी, इलेक्ट्रिक पोल फील्ड की डायरेक्शन भी वही थी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी वही थी, लेकिन इसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो हम क्या लगा देंगे, सिंपली एक माइनस साइन लगा देंगे। अगर हम वेक्टर में बात करें तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है किससे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से अपोजिट है, तो यहाँ से हमें पता चला माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, या फिर आप कह सकते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे, इसको और क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ डायपोल को एक और टर्म देते हैं इक्वेटोरियल। अगर इक्वेटोरियल आ गया तब भी आप यही डेरिवेशन डिराइव करेंगे, इक्वेटोरियल, और जब एक्सिस में था तो उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने नोटिस किया होगा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सिस पे निकाली थी उसकी क्या आई थी, 2kp/x³, यही आई थी। तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि जो एट सेम डिस्टेंस, अगर हम x डिस्टेंस दोनों के लिए सेम ले, d डिस्टेंस दोनों के लिए सेम ले, तो एट सेम डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पे होगी डायपोल के एक्सिस पे वो 2 times होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डायपोल के। तब तो एक का फॉर्मूला अगर आप डिराइव कर सकते हैं तो दूसरे का आप डेरिवेशन ना भी आए, क्वेश्चंस आ जाएं, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि अगर सेम डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पे होगी वो 2 times होगी किस पे, बाइसेक्टर पे। अब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जनरली जो पूछे जाते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हम पे 2 चार्ज हैं, एक है क्यू ए जिसका मैग्नीट्यूड है 2.5×10⁻¹⁸ कूलम, पहला चार्ज है। दूसरा चार्ज है हम पे क्यू बी जिसका मैग्नीट्यूड है −2.5×10⁻¹⁸ कूलम, और ये डिस्टेंस आर सेपरेटेड। By a distance of 30 cm, तो हमें क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें कुछ नहीं दिया गया कि हमें एक्सिस में निकालना है या परपेंडिकुलर बायसेक्टर में निकालना है। सिंपली हमसे पूछा गया कि एक चार्ज है क्यू ए जिसका मैग्नीट्यूड 2.5×10⁻¹⁸ है, और एक चार्ज है क्यू बी जिसका मैग्नीट्यूड क्या है। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी गई इस क्वेश्चन में कि एक्सिस पे या फिर क्या परपेंडिकुलर बायसेक्टर, सिंपली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और डिस्टेंस क्या दे रखा 30 cm। अब पूछा गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालिए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप देखें डायरेक्शन, देखिए क्यू बी की डायरेक्शन माइनस चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। तो जगह पी वेक्टर × 2×q×d, ये होता है डायपोल मोमेंट q×2d। अब डिस्टेंस कुछ भी ले लीजिए आप, मतलब चार्ज कुछ भी ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम चार्ज लेंगे तो हो जाएगा 2.5×10⁻¹⁸। डिस्टेंस कितना है 30 cm, तो मतलब 0.30 meters, यही होगा डिस्टेंस 0.30 meters। ये डी की टर्म्स में नहीं है, ये 2D की ही टर्म्स में है। ये पूरी डिस्टेंस क्या लेट की थी हमने, 2D लेट की थी, ये पूरी 2D की ही टर्म्स में, D की टर्म्स में कुछ नहीं है इसमें, तो ये 2D ही है। जब हम इसको सॉल्व करें तो हमें आंसर मिलेगा 0.075
इंटू 10^-8 कूलम्ब मीटर, इसकी मल्टीप्लाई से की तो कितना है 0.075 इंटू 10^-8 कूलम्ब मीटर, तो इसका सॉल्यूशन। अब हमसे अगर पूछा जाए, यही क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, अगर पूछा जाए कि QA एक चार्ज है, QB दूसरा चार्ज है, वो रखा गया है, QA चार्ज रखा गया है, इस पॉइंट पे, और QB चार्ज रखा गया है इस पॉइंट पे, तो हमसे पूछेगा अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई हमने, इसको ले लेते हैं y, नहीं इसको ले ली हमने x, z और y। हमसे क्या पूछा गया है कि एक चार्ज है QA, वो हम 0015 पॉइंट पे रखा गया, मतलब x एक्सिस 0, y एक्सिस 0, मतलब z ही एक्सिस पे हमने यहाँ पे 15 पे रखा गया है QA चार्ज, और QB चार्ज कहाँ पे रखा गया है, माइनस पे, तो यहाँ पे ले लेते हैं QB चार्ज 0.0.15 माइनस। अब पूछा गया कि हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाली, तो ये डिस्टेंस कितना है, 2D डिस्टेंस 30 मीटर ही है, सेंटीमीटर की टर्म्स में लेना तो उसको ले लीजिए आप, कितने आपने यूनिट्स करे हुए, अगर सेंटीमीटर की टर्म्स में यूनिट्स डिवाइड करे हुए तो सेंटीमीटर, वैसे अगर मीटर के टर्म्स में बात करें तो सिंपली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, क्यू इंटू 2D, क्यू 2.5 इंटू 10^-8 2D डिस्टेंस हो गया 30, ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10^-8 कूलम मीटर, सेम है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में था, बस हमने इसमें क्या दे दिए, कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि इस कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहा, इस कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहा, आप बताइए कि ऐसा कैसे डिस्टेंस हो। अगर एक क्वेश्चन इस टर्म्स में आ जाए कि -2q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, +q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, कितनी डिस्टेंस पे, 0.a डिस्टेंस पे रखा हुआ, 0.a पॉइंट पे रखा हुआ, और +q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, a, 0 पॉइंट, अब बताइए कि इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो ये कैसे करेंगे, खुद ट्राई करके देखिए ये हम कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो अब देखिए, अब हम ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दे रखा है कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये इसका ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन में एक चार्ज रखा हुआ है -2q, और कुछ ही डिस्टेंस पे जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0.a, वहाँ पे रखा गया है +q चार्ज, और एक्स एक्सिस में 0 डिस्टेंस पे रखा गया है फिर +q चार्ज। अब हमें पूछा गया है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है इसके कारण, इन तीनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, तो अब देखिए जो ये -2q चार्ज है, हम इसको दो वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैसे, हमने ले लिया -q चार्ज, दूसरा भी ले लिया हमने -q चार्ज, ऐसे हम ले सकते हैं। अब क्या हो रहा, सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस डिस्टेंस में हैं कुछ अपोजिट नेचर के, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है, ये भी एक ऐसी इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है, तो इसको ले लीजिए 1, इसको ले लीजिए 2, तो P1 क्या होगा, Q, डिस्टेंस कितनी, अब डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस कितनी, A क्या है X एक्सिस का पॉइंट, 0 क्या है Y एक्सिस का, कि Y एक्सिस में कुछ नहीं है, उठा हुआ नहीं है मतलब, तो A डिस्टेंस क्या होगी, A। अब P2 की बात करें तो P2 भी क्या होगा, Q इंटू A, ये हम क्या बात कर रहे हैं अभी, मैग्नीट्यूड की। अब देखिए P1 की डायरेक्शन ये है, P2 की डायरेक्शन ये है,
तो इसका नेट कुछ ऐसा जाएगा, पी नेट, ये 90 डिग्री है पूरा, तो पी नेट की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को हम पी ले लेते हैं, तो यहाँ से पी नेट की क्या वैल्यू आएगी, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा कितना है, कॉस 90 डिग्री, तो वो जाएगा ज़ीरो, तो यहाँ से जाएगा टू पी स्क्वायर अंडर रूट में, तो जाएगा पी अंडर रूट टू, पी की वैल्यू क्या है, क्यू ए और अंडर रूट टू क्यू ए, ये क्या हो गया, पी नेट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का नेट हो गया, कहीं बीच से जाएगा 45 डिग्री के एंगल से, क्योंकि 90 है और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो 45 डिग्री के एंगल से जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं आपको वैल्यू दे ही रखी होगी, आपको कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकालना हो, पॉइंट्स दे रखे हो कि वो 2D प्लेन में कहाँ पे लाई कर रहे, 3D प्लेन में कहाँ पे लाई कर रहे, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं।